मूवी की शुरुआत में हमें रॉबिन नाम का आदमी देखने को मिलता है जो जंगल में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी एक पिग आता है। वो रॉबिन का पालतू पिग रहता है और वो रॉबिन की मदद कर रहा होता है उसे कोई चीज ढूंढने में। और अपने काम के बाद वो उस पिग के साथ अपने घर में आता है जो जंगल के बीच में रहता है, जहाँ वो खाना पकाता है और खा के पिग को भी देता है। और फिर एक आमिर नाम के आदमी को रॉबिन के पास आते हुए दिखाया जाता है, जहां वो रॉबिन के लिए मंथली सप्लाई लाता है और उसके बदले रॉबिन से एक चीज लेता है जो जंगल से रॉबिन खोज कर लाया होता है उस पिक की मदद से। और ये लाइफ वैसे ही चल रही होती है जब तक एक घटना न घटे। एक रात जब रॉबिन सो रहा होता है तभी जो पिग रहता है वो कुछ अजीब सा हरकत कर रहा होता है और रॉबिन उसे समझ नहीं पाता है। वैसे ही कुछ लोग अंदर आते हैं और रॉबिन को मारकर पिग को उठा कर लेके चले जाते हैं। दूसरे दिन रॉबिन को बेहोशी से उठते हुए दिखाया जाता है, जहां वो अपने गाड़ी में पेट्रोल भरकर स्टार्ट करता है, पर वो कुछ दूर जाके रुक जाता है। तब रॉबिन रोड के रास्ते एक छोटे से बार में जाता है, जहां वो आमिर को कॉल करता है। उसके बाद आमिर को अपने गाड़ी के साथ आते हुए दिखाया जाता है, जहां वो रॉबिन उसके साथ वहां से चला जाता है अपने पिक को ढूंढने के लिए। और आमिर एक लेडी के पास लेके जाता है, जहां वो लेडी एक कपल के पास लेके जाती है। वो कपल कहता है एक आदमी आया था बड़ी सी गाड़ी में, वो सिटी में रहता है पर उसका नाम नहीं पता है। तो रॉबिन आमिर को कहता है सिटी चलने के लिए, पर आमिर जाने से मना कर देता है। तब रॉबिन कहता है अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो पिक को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। उसके बाद आमिर रॉबिन के साथ सिटी जाता है और गाड़ी से उतरने से पहले आमिर से $10 मांगता है और फिर एक एडगार नाम के आदमी से जाके मिलता है और उसे पहले खाने के लिए देता है और फिर हेल्प के लिए पूछता है। तो एडगार मना कर देता है ये कह के कि पहले सब तुम्हें जानते थे पर आज के डेट में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, और उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। उसके बाद रॉबिन वहां से चला जाता है और तभी आमिर रॉबिन से पूछता है तुम एडगार को कैसे जानते हो, पर रॉबिन कुछ नहीं कहता है। और फिर दोनों को गाड़ी से जाते हुए दिखाया जाता है, जहां रॉबिन एक बड़े से होटल के पीछे से एंट्री लेता है और किचन के रास्ते एक रैक को हटा के एक सीक्रेट डोर से आमिर के साथ अंदर जाता है सीढ़ियों के रास्ते से। ये रास्ता एक ऐसी जगह जाता है जहां एडगार रेस्टोरेंट के वर्कर के लिए फाइट अरेंज करता है और फिर एडगार को फाइट के लिए पे करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो लोगों को पंच खाने का पैसा देता है और लोग भी पैसा वहां लगा रहे होते हैं। तभी रॉबिन को वहां आते हुए देख सब शांत रहते हैं। ये सब आमिर भी देख कर शांत रहता है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि वो समझता था कि रॉबिन को कोई जानता नहीं है। तभी रॉबिन को अपने लिए बिट लगाते हुए दिखाया जाता है, जहां लोग पैसा लगा के उसे मारेंगे। वहां रॉबिन एडगार को सिर्फ अपनी वैल्यू दिखाना चाह रहा होता है, जो कुछ देर पहले एडगार ने कहा होता है। तभी सब पैसा लगाते हैं और फिर एक आदमी आता है पंच मारने के लिए और वो रॉबिन को पंच मार के गिरा देता है। तभी रॉबिन उठकर कहता है मैं अपने पिक को ढूंढ रहा हूँ। तब एडगार उसकी रिस्पेक्ट कर एक पेपर देता है। उसके बाद आमिर रॉबिन को अपने घर लेके आता है, जहाँ रॉबिन आराम कर रहा होता है। उसके बाद सुबह होती और रॉबिन के उठने के बाद आमिर उसे खाने को देता है। तब रॉबिन आमिर को वो पेपर देख के पूछता है क्या इस प्लेस को जानते हो, तो आमिर कहता है हाँ मैं जानता हूँ और फिर अपने मॉम डैड के बारे में बात करता है और इमोशनल हो जाता है। तभी रॉबिन और आमिर बात करते हैं और फिर आमिर को उसी प्लेस पे दिखाया जाता है, जहाँ वो सेटिंग कर रहा होता है लंच बुक करने के लिए। उसके बाद रॉबिन को अपने घर के पास दिखाया जाता है, जहां वो देख रहा होता है और एक साउंड सुनाई देने पे उस साउंड को फॉलो करता है और घर के पीछे जाके देखता है तो वहां एक बच्चा बैठा हुआ रहता है। और तब रॉबिन उससे पूछता है ये क्या बजा रहे हो, तब वो बच्चा कहता है हैंडपैन बजा रहा हूँ। उसके बाद वो उससे बात करता है और कहता है वो पहले वहां रहा करता था। और फिर सीन शिफ्ट होके उसी रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग
लोग खाना ऑर्डर करते हैं और बातों ही बातों में पिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, पर वो शेफ डिशेस के बारे में बता रहा होता है। तभी रॉबिन उसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि वो ट्रफल पिक को खोज रहा है और अपना नाम भी बताता है। तब वो रॉबिन के पास्ट में किए कामों की तारीफ करता है और एक नाम लेता है जो आमिर के डैड का होता है। फिर वो बाहर आते हैं और थोड़ा आर्ग्यू होता है दोनों में इस बात पर कि क्यों उसने अपने डैड को रॉबिन के बारे में बताया। उसके बाद रॉबिन को आमिर के डैड के पास आते हुए दिखाया जाता है, जहां उसके डैड को कहते हुए दिखाया जाता है कि मैं अपने बेटे के लिए कोई डेस्क जॉब ढूंढ लूंगा, मुझे ये काम नहीं पसंद था। और ये भी कहता है कि तुम्हारी अब यहां कोई वैल्यू नहीं है। पर रॉबिन पिक के बारे में पूछ रहा होता है, तब आमिर के जो डैड रहते वो कहते हैं कि यहां से चले जाओ, से पहले मैं एंग्री हो जाऊं और उस पिक को मार के पका दूं। और फिर वहां से उठकर आमिर के डैड चले जाते हैं और में जाने से पहले कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, एक नया पिक खरीद लो। उसके बाद अंदर चला जाता है। तभी रॉबिन बाहर आके आमिर के पास खड़ा होता है और उसे कहता है उसे ट्रफल के लिए उस पिक की जरूरत नहीं है, वो उसे सिर्फ प्यार करता है। और फिर उससे एक पेन मांगता है और जब आमिर एक पेन देता है तो वो कुछ सामान का लिस्ट उससे दे के कहता है ये सब ले आओ और अगर कोई ना दे तो कहना तुम रॉबिन के साथ हो। उसके बाद रॉबिन को एक बेकरी के पास खड़ा दिखाया जाता है, जहां दूसरी ओर आमिर उस जगह पे पहुंचता है और अंदर जाता है रॉबिन का नाम यूज करके। और वो लेडी एक वाइन देती है जो उसने 20 साल से संभाल के रखा होता है। और उसके बाद रॉबिन को दिखाया जाता है जहां वो एक लेडी से बात कर रहा होता है। लेडी जो बेकरी चला रही होती है, दरअसल वो रॉबिन का रहता है एक रेस्टोरेंट जो अपने पुराने दिनों में चलाता था। और वो लेडी उससे कुछ स्नैक्स ऑफर करती है। रॉबिन उसे लेके वहां से चला जाता है और जाके आमिर के गाड़ी में बैठता है और वो स्नैक उससे शेयर करता है। उसके बाद रॉबिन को कुक करते हुए दिखाया जाता है, जहां आमिर भी रहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आमिर के डैड को वहां दिखाया जाता है, जिससे रॉबिन सर्व कर रहा होता है। वो टेस्ट करके वो सब खाना इमोशनल हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। और जब रॉबिन उसके पीछे जाता है तो वो कहता है चले जाओ मेरे घर से। तब रॉबिन कहता है मुझे सब याद है जो जो मैंने अब तक बनाया है, जिससे भी सर्व किया है, वो सब पर्सन मुझे याद है। तब आमिर के डैड कहते हैं ये सब क्यों कर रहे हो तुम, और आमिर खड़ा होकर वहां सिर्फ देख रहा होता है। और फिर आमिर के डैड रॉबिन को सॉरी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि जब हमने उसे लाया था तो वो कुछ दिन बाद ही मर गई। और ये सुनते ही रॉबिन टूट जाता है और वहीं रोने लगता है। और आमिर और उसके डैड देख रहे होते हैं रॉबिन को। उसके बाद रॉबिन को आमिर के साथ उसके कार में दिखाया जाता है और वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं और उस पी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जब बाहर आते हैं तो रॉबिन आमिर से कहता है अब मिलते हैं थर्सडे को, और वहां से चला जाता है। जहां दूसरी ओर आमिर गाड़ी में बैठकर रो रहा होता है और रॉबिन अपने घर में जाके अपनी वाइफ के रिकॉर्ड किए साउंड को सुन रहा होता है। और मूवी का द एंड हो जाता है।